जिला मंडी के कोटली की 3 पंचायतों के लोग एनएच निर्माण कर रही गाबर कंपनी से परेशान हैं। 3 पंचायत के लोगों ने अवैध डंपिंग के साथ साथ कंपनी के एमडी पर दादागिरी करने के आरोप लगाए हैं। मामले को लेकर ग्रामीण उपायुक्त के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचे। लोगों का कहना है कि जहां पर डंपिंग साइट नहीं है वहां पर कंपनी अवैध तौर पर डंपिंग करती आ रही है, जिससे करीब 25-25 बीघा जमीन लोगों की बर्बाद हो चुकी है। इसे लेकर पहले भी कई बार डीसी को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। लोगों का यह भी कहना है कि जब इस बारे में कंपनी के एमडी से बात करने जाते हैं तो वो दादागिरी दिखाता है। लोगों का साफ कहना था कि आज मामले में वे अंतिम बार ज्ञापन सौंपने आए हैं, अगर अब भी लोगों के नुकसान की भरपाई नहीं होती है तो उसका घेराव किया जाएगा। इसके बाद की जिम्मेवारी प्रशासन और गाबर कंपनी की होगी, क्योंकि लोग अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं। हम माननीय उपायुक्त महोदय से ग्राम पंचायत कोटली, ग्राम पंचायत सुराड़ी, ग्राम पंचायत धन्यारा के लोग मिले। नेशनल हाईवे का जो काम यहाँ कोटली होकर चला हुआ है अटारी बॉर्डर टूले, उसके सिलसिले में हमने कई बार माननीय उपायुक्त महोदय जी को ज्ञापन भी दिया है। कोई एमडी है इनका, इस कंपनी का, वो अपने मनमाने तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। जहाँ पे डंपिंग साइट नहीं है वहाँ पे वो मटेरियल फेंक रहा है, जिससे लोगों के खेतों को, लोगों के घरों को, लोगों की गौशालाओं को नुकसान हुआ है। 25-25 बीघा जमीन जो है उसने एक ही एक एक गांव में बर्बाद कर दिया। हम मौके पे गए थे, हमने वहाँ पे जायजा किया, सर्वे किया, तो भाई साहब पूरा पूरे के पूरे खेत बर्बाद, लोगों के घर बर्बाद, लोगों के घरों में मिट्टी घुस पड़ी है, लोगों के घरों में पानी घुसा है, मलबा घुसा है। गौशालाओं, गाय को हम अपनी गौ माता का दर्जा देते हैं, उस बड़ी मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से हमने लोगों के मवेशियों को बाहर निकाला है। जब उस बंदे के पास जाते हैं तो वो दादागिरी दिखाने लगता है। हमने अंतिम बार डीसी साहब को बोल दिया है, इसके बाद अगर उसने कुछ किया, अगर हमारे लोगों का नुकसान उसने नहीं दिया तो हम उसका घेराव करेंगे। और हमने बड़े साफ साफ शब्दों में ये कह दिया है कि उसके बाद की जिम्मेवारी या तो डीसी महोदय की होगी या तो उस कंपनी के मालिक की होगी। लोग अब किसी भी सूरत में किसी को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और एक फागड़ा नाम की एक जगह है, कोटली से 3 किलोमीटर आगे फागड़ा नाम का जो गांव है, वहां पर ऑलरेडी कलवट पड़ा हुआ था। कलवट जो बड़ी बड़ी पाइपें पड़ी हुई थी, उसने वो बंद कर दी। उसके बाद पूरा का पूरा मलबा नीचे खेतों में घुसा हुआ है, पुल के पीछे, जो फागड़ा पुल के पीछे पूरे खेत लोगों के बर्बाद हो गए। और कंपनी ने उनको बोला कि आप अपने पैसे से कलवट की पाइपें खरीद कर लाएँ, हम डाल देंगे। और यहाँ पर अमर सिंह जी हमारे साथ हैं, इन्होंने अपने पैसे से, 3-4 लोगों ने अपने पैसे से वो पाइपें खरीदी, उसके बाद भी वो पाइपें वहीं पर पड़ी है, उनका कोई ना वो पाइपें डाली है। बता दें कि हाल ही में हुई भारी बारिश के बाद प्रदेश में हर जगह बड़ी तबाही देखने को मिली है और सबसे ज्यादा नुकसान मंडी और कुल्लू जिला में हुआ है, जिसके लिए एनएच निर्माण में लगी कंपनियों द्वारा नियमों को ताक में रखकर काम करने की वजह कई लोगों द्वारा बताई जा रही है। इसमें इन कंपनियों द्वारा अवैध डंपिंग करना भी एक बड़ी वजह रही है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अवैध डंपिंग को लेकर ग्रामीण जब कई बार पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं तो उपायुक्त महोदय कहां सोए हुए थे? आज तक अवैध डंपिंग को लेकर उपायुक्त महोदय ने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? क्या ग्रामीणों का जो नुकसान हुआ है क्या उसकी भरपाई उपायुक्त महोदय खुद करेंगे या फिर उस कंपनी से करवाएंगे? जरूरत है कि अब जब इतना नुकसान हो गया है तो मामले की जांच हो, अवैध डंपिंग करने वाली कंपनी पर सख्त कार्रवाई हो, ग्रामीणों को मुआवजा मिले, साथ ही ग्रामीणों के कई बार ज्ञापन देने के बाद भी एक्शन न लेने वाले उपायुक्त या जो भी जिम्मेदार अधिकारी हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।